आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ चिकन तंदूरी बनाने की रेसिपी, जिसे मैंने विदाउट ओवन बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है 1.5 kg, और इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया है ताकि इसमें कोई थोड़ा भी मॉइस्चर ना रहे। तो इस तरह से यहाँ पे एक छुरी की मदद से हमें इस तरह से चीरा लगा लेना है चिकन के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से चीरा लगा लूँगी यहाँ पे इस सारे चिकन में, ताकि जब हम इसमें मसाला मिक्स करें तो मसाले का फ्लेवर अच्छे से चिकन के अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से एक एक करके हमें सब में चीरा लगा लेना है। तो अब आती है मसालों की बारी। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है 250 ग्राम, और एक स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसका सारा पानी को निकाल लिया है। और यहाँ पे इस जो दही बची है इसको मिक्स कर लूँगी और पानी को फेंक देना है। इसके बाद मैं डालूँगी 1 नींबू, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में वो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक बार आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो नींबू भी हमारा हो चुका है, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। फिर अब हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, लगभग आधे चम्मच। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी फूड कलर का यूज़ करें। ये बस चिकन के कलर को खूबसूरत बनाने के लिए होता है, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी लगभग 3 से 4 चम्मच, जिसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है तवे के ऊपर। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है तंदूरी के अंदर, चिकन तंदूरी के अंदर। तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं, जितना आप कम या ज़्यादा खाते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। और अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ।
तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जीरे में अच्छे से अंदर तक मसाले पहुंच पाए। और इस तरह से हाथों की मदद से आपको सारे मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से एक एक करके हमें मिक्स कर लेना है सबको। तो सारे मसाले चिकन के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ दूंगी। ये जितना आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी कर सकते हैं। जितना मैरिनेट होते हैं ये उतना इसका फ्लेवर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो 1 से 2 घंटे में भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 घंटे के लिए छोड़ा था। तो चिकन हमारे अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो अब आती है इन्हें पकाने की बारी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया जिसे मैंने अच्छे से गरम किया है। और यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा तेल डालूँगी इस पैन के अंदर। आप चाहे तो यहाँ पे मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सरसों तेल का यूज़ किया है। तेल भी अच्छे से पक चुके हैं। और याद रहे कि पैन बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ना हो। मुझे फ्लेम गैस की फ्लेम को भी हाई रखना है और तवे को भी अच्छे से हमें गरम करना है। तो तवा अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैं फ्लेम को हाई पे ही रखूँगी। और उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं फ्लेम को स्लो कर लूँगी। स्लो आंच पे मैं इसे 15 मिनट तक रखूँगी ताकि चिकन हमारा अंदर तक पक जाए, अंदर से कोई कच्चापन नहीं रहे और अंदर बाहर दोनों तरफ से ही अच्छे से पक जाए। तो देख लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन कितने अच्छे से यहाँ पे पक चुका है बाहर से भी। और इसे मैंने पलट दिया दूसरी तरफ से भी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पके। ये लगभग दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। इसे मैं बस 3 से 4 मिनट और रखूँगी और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी।
तो यहाँ पे सेम उसी तरह से जो और भी चिकन हमारे हैं तो उसी पे मैं इस तवे से पे डाल दूँगी और पका लूँगी। तो यहाँ पे एक तरफ ये अच्छे से पक चुका है और दूसरी तरफ भी थोड़ा बाकी है, तो हम इसे 5 से 7 मिनट और रखूँगी स्लो आंच पे ताकि ये अच्छे से पीछे से भी दूसरी तरफ से भी पक जाए। अब यहाँ पे मैं गैस पे एक छाली रखूँगी और छाली के ऊपर इस तरह से चिकन को रख लूँगी। पहले तो गैस को हमें स्लो पे रखना है। तो इस तरह से हमें जाली के ऊपर चिकन को फिर से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो गई है सारी चिकन। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी चिकन तंदूरी बनकर तैयार हुई है ये, और ये खाने में भी उतनी ही अच्छी और लाजवाब होती है। इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में और विदाउट ओवन आप चिकन तंदूरी बना बना सकते हैं और इस तंदूरी का मज़ा ले सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको तंदूरी को बनाकर खिला सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुई है और अंदर तक किस तरह से ये अच्छे से पकी है। तो आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेल आइकन को दबा ना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक इसी तरह से पहुंचते रहें, और लाइक सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।